Good morning, students of MSc NND. So today's topic of our first video lecture is fact replacer. तो अब जो हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जिस टॉपिक की, जिस सेशन की, उसका नाम है फैट रिप्लेसर. तो फैट रिप्लेसर से आप ये समझ सकते हैं, जैसे एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे फैट को रिप्लेस करके कुछ एक अलग कंपाउंड यूज़ करा गया है, जिससे फूड इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे फूड जो बन रहे हैं उसकी उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी पैलेटेबिलिटी अच्छी हो सके. जो अगर हम फैट की बात करें, तो हमारा फैट जो होता है वो फूड में क्यों डालते हैं हम लोग? फर्स्ट तो एक तो एनर्जी गिविंग सोर्स है वो, और सेकंड अगर हम ओवरऑल देखें तो वो फूड की अपेयरेंस और फूड के कलर को, फूड के टेक्सचर को, उसकी पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है. बट उसके साथ साथ ज़्यादा फैट अगर हम फूड में लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं. इसलिए फूड इंडस्ट्रीज़ में फ़ैट रिप्लेसर के नाम का एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है, जिससे कि फ़ैट को रिप्लेस करके एक ऐसे कंपाउंड का मतलब इंक्लूड करा जाए जो प्रॉपर्टीज सब फैट की दे, बट जो उसकी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी कैलोरीज गिविंग कैपेसिटी है, वो सब कम हो सके. तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फैट रिप्लेसर्स क्या होते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं. तो ठीक है, सो नाउ वी स्टार्टिंग अवर लेक्चर. फर्स्ट पॉइंट जो फैट रिप्लेसर का है कि फैट रिप्लेसर, या इसको फैट मिनेटिक्स भी बोलते हैं, तो ये करते क्या है? फर्स्ट तो ये है कि ये फूड की बॉडी को सॉफ्टन करते हैं और उसकी स्मूथनेस को इंक्रीज करते हैं. मतलब ऐसा कोई भी फूड जहाँ पे हमें स्मूथनेस, सॉफ्टनेस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर अगर हम फैट रिप्लेसर डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो चीज़ बढ़ती है, अच्छी हो जाती है. सेकेंड पॉइंट है, दे आर टिपिकली अ सिंथेटिक मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड नो एनर्जी कैलोरीज. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले भी बात करी थी कि जैसे फैट जो हमारा एक नेचुरल फैट होता है वो एनर्जी गिविंग सोर्स होता है. 1 ग्राम फैट अगर हम देखें तो 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है हमें. बट फैट रिप्लेसर क्या है? एक ऐसा सिंथेटिक मॉलिक्यूल, एक ऐसा सिंथेटिक कंपाउंड है जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है. तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं हमारे वेट को मतलब बैलेंस करके चलता है. थर्ड पॉइंट है इसमें, दे आर जनरली हीट स्टेबल. हीट स्टेबल मतलब कि उसमें आप हम कितनी भी हाई टेम्परेचर पे कुकिंग कर लें, फ्राइंग कर लें, कोई भी एप्लीकेशन, कुकिंग एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, बट फैट रिप्लेसर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होंगी, वो इफ़ेक्ट नहीं होंगी. वो हीट को रेजिस्ट करेगा और हाई टेम्परेचर में सूटेबल रहेगा. फोर्थ पॉइंट है इसका, दे मे नॉट रिप्रोड्यूस द टेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फैट एज फैट इट्सेल्फ प्रोवाइड द फ्लेवर टू अ फूड एंड कैरियर ऑफ अदर फैट सॉलेबल फ्लेवर कंपाउंड इन अ फूड. मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो आपका जो फैट की जो प्रॉपर्टी होती है, टेस्ट वाली प्रॉपर्टी, उसको उससे अगर कंपेयर कराया जाए, अगर हम नेचुरल फैट से कंपेयर करें, तो प्रॉपर्टीज़ तो वही देता है, फ्लेवर वही देता है. मतलब सारा जो आपका फैट का जो फ्लेवर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वही रहती है. बट उसमें जो जो चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ उसमें नहीं होती है. तो क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है किसी भी टेस्ट प्रॉपर्टीज़ को फैट की. जैसे फैट अगर हमारा फ्लेवर प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्लेवर ही प्रोवाइड करेगा, और कोई मतलब अलग से कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा. अब हम बात करते हैं टाइप्स की. अब तो हमने इंट्रोडक्शन पता कर लिया, उसका इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा बहुत बेसिक. अब हम टाइप्स की बात करेंगे. टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे फैट रिप्लेसर्स की 2 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट जो होती है वो फैट सब्स्टिट्यूट्स की होती हैं, जो सेकेंड होती हैं वो फैट मिनेटिक्स की होती हैं. अगर हम फैट सब्स्टिट्यूट की बात करें तो फैट सब्स्टिट्यूट कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी फिजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो फैट के जैसी ही होती हैं, जो हमारा नेचुरल फैट होता है. जैसे ट्राइग्लिसराइड है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या हमारा नेचुरल फैट है, तो नेचुरल फैट ट्राइग्लिसराइड जैसी ही एग्जैक्ट उनकी क्या होगी, फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब फैट मिनेटिक्स की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे पोलर और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं. मतलब कि ये हमारे जो भी फैट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये हमारे लिपिड्स में और जो भी हमारी वाटर वाले सब्सटेंस होते हैं उन सब में सॉल्युबल होते हैं. तो अगर वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो मतलब कि वो हाई टेम्परेचर पे खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं. दे आर जनरली नॉट सूटेबल फॉर द हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन. जैसे हम फ्राइंग कर रहे हैं तो फ्राइंग करते टाइम उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, बट फैट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके अंदर प्रॉपर्टी सारी फैट जैसी होती हैं. बट मिनेटिक्स के अंदर प्रॉपर्टी फैट वाली नहीं होती है. इनके अंदर जो प्रॉपर्टी फैट वाली होती है वो क्या होती है कि ये बस वाटर सॉल्युबल होते हैं.
अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि फूड की पैलेटेबिलिटी को अच्छा करता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, माउथ फील जो हमें देता है फैट वाला वही फील आता है, हीट स्टेबल होता है तो हाई टेम्परेचर में आराम से ये हमारा सूटेबल रहता है, और ये हमारे फूड को क्या करता है सॉफ्ट एंड सूपी बनाता है। मतलब कि जैसे हमारे जो सूप्स होते हैं हम उसमें फैट रिप्लेसर डालते हैं, अपने कॉर्न स्टार्च की जगह हम फैट रिप्लेसर डाल लें तो वो हमारा सूपी और अच्छा सा उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ही रिच हो जाएगी, और ये हमें क्या करता है एनर्जी जो रिड्यूस्ड मतलब रिड्यूस्ड कैलोरीज प्रोवाइड करता है, कम से कम कैलोरीज हम लोगों को मिलती हैं इससे। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस में आता है, और यहाँ हमारा फैट रिप्लेसर का जो साइड शेयर है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने टाइप्स, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज इन सब की बात करी है। तो ये आपका फैट रिप्लेसर का टॉपिक था। थैंक यू।